और अब बात कोरोना अलर्ट की, कोरोना रिटर्न्स की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने चिकित्सा विभाग की अहम बैठक भी बुलाई। आज जोधपुर में एक और जैसलमेर में दो नए मामले सामने आए हैं। जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया से आई युवती कोरोना पॉजिटिव मिली है। कल जयपुर में भी तीन मामले सामने आए थे। जैसलमेर में भी दो मामले पहले भी आ चुके हैं। अब तक प्रदेश में कोविड के कुल 8 मामले आ चुके हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। सीएम शाम 5 बजे चिकित्सा विभाग के साथ ये अहम बैठक करेंगे। तो कोरोना के बढ़ते मामले 8 मामले अब तक प्रदेश में सामने आ चुके हैं। लगातार एक एक कर 1 से 2, 2 से 3 और अब 8 मामले कोरोना के मिल चुके हैं। 8 पॉजिटिव मिल चुके हैं। अब सीएम शाम 5 बजे चिकित्सा विभाग के साथ कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर अहम बैठक करने वाले हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए ये अहम बैठक होगी। चिकित्सा विभाग को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए जाएंगे, अलर्ट पर रहने के लिए कहा जाएगा और किस तरह से हालात ना बिगड़े, हालात संभाले रखें, काबू में रखे जाएं, उनको लेकर कुछ खास मूल मंत्र मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। भरत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरत, अहम बैठक शाम 5 बजे। जिस तरीके से मामले प्रदेश में बढ़े हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद ये बैठक बुलाई है ताकि प्रदेश में जो हालात हैं उसकी समीक्षा की जा सके। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश भर में अलर्ट है। सभी राज्यों में केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है और राजस्थान में ये एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही जारी कर दी है और फिलहाल मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से एक स्टेट नोडल कमेटी भी बना दी गई है जिसमें चिकित्सा शिक्षा आयुक्त हैं शिव प्रसाद मदन नकाते, उनको नोडल अधिकारी बनाए। इसके साथ ही 8 अन्य सदस्य उसमें शामिल किए गए हैं जो लगातार जिलेवार समीक्षा कर रहे हैं, उनसे रिपोर्ट भी ले रहे हैं। अगर कहीं कोरोना के मरीज आते हैं तो उन्हें किस तरह की जो तमाम सुविधाएं हैं वो उनको मिले, इसके लिए मॉनिटरिंग की जा रही है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए उस काम कर रहे हैं ताकि मरीजों को परेशान नहीं हो और कोरोना पर कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल। और इन बातों में, इन मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाने वाले गुरु मंत्र मूल मंत्र में ऑक्सीजन सिलेंडर भी शामिल रहेंगे क्योंकि जो स्थिति पिछली बार हमने देखी थी अब प्रदेशवासी उससे डरते होंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, अस्पतालों में व्यवस्थाओं की बात हो, अस्पतालों में बेड की बात हो, इन तमाम चीजों को फोकस किया जाएगा। निश्चित रूप से कोरोना में सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई थी पहले वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर ही हुई थी। इसमें सांस में तकलीफ होती है और जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो गंभीर जो श्वास संबंधी रोगी होते हैं उनको ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए ऑक्सीजन को लेकर पहले ही निर्देश दिए कि अपने जो हॉस्पिटल है उनमें ऑक्सीजन के प्लांट की स्थिति देख ले और पहले ही मॉकड्रिल की गई थी और आगामी 26 दिसंबर को वापस से मॉकड्रिल की जाएगी ताकि तमाम सरकारी के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी देखी जा सके ताकि इमरजेंसी आए तो वहां पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। ठीक है, शुक्रिया भरत तमाम जानकारी के लिए।